राजेश सर नमस्ते, रुचित जैन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, दिवांशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पसंद आ रहा है HFCL जिसका NSE टिकर है। अगर ये स्ट्रक्चर देखे तो सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं। वीकली मंथली स्ट्रक्चर भी देखे तो स्टॉक में एक स्टेबल अपमूव यहाँ पे हमने देखा है पिछले कई हफ्तों से देखने को मिला है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये क्लियर अप ट्रेंड में स्टॉक यहाँ पे देखने को मिला है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। तो हिमाचल फ्यूचरिस्टिक हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। अपसाइड के टारगेट 165 तक एक्सपेक्ट करें, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 150 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है निफ्टी आईटी से, उसमें हमें लगता है कोफोर्ज को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। आईटी स्पेस एक अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूटी बनी हुई है। कोफोर्ज अपने प्रीवियस मल्टीपल स्विंग हाई की तरफ अब यहाँ पे उसको लेवल्स को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये जिस तरीके से 6400 के आसपास सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे हमें लगता है एक मोमेंटम 6550 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो फोर्ड्स पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे 6340 का। और तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है लॉरेस लैब का। यहाँ पे भी एक जिस तरीके का सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला, स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जुलाई के जो स्विंग हाई थे उसको अब ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। लॉरेस लैब में हमें लग रहा है 484 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। बाय करने की सलाह 464 के स्टॉप लॉस से। तो आपको लॉरस लैब्स में फार्मा से एक शेयर ये हो गया। आईटी में थोड़ी सी अब सिलेक्टिव बाइंग हो रही है, वो आप ध्यान रखिएगा। उसमें कोफोर्ज आपको खरीदना है, टारगेट 6550 रुपए का। और इसके लिए ट्रेड के लिहाज से अगर किसी को फ्रेश बाई करना हो, आपकी नजर में कोई शेयर? करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है और एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे स्टॉक्स अवेलेबल है। मजगांव डॉक में अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। हालांकि स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है, लेकिन स्टॉक में पिछले 3-4 दिनों से देखें तो लोअर साइड पे यहाँ पे जो लेवल है 4150 के आसपास के लेवल है उसको होल्ड आउट करके यहाँ से एक रिवर्सल के साइन तो यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हमें लगता है ये स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है। 4350 ये थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड लेना होगा, 4350 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें। और हमें लगता है कि अगर ये रिवर्सल सक्सीड होता है तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 4700 4800 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। वही हम देखें दूसरे स्टॉक्स में अगर हम यहाँ पे बात करें तो HAL को भी अगर हम यहाँ पे फोकस में लाएं तो HAL में भी एक करेक्शन के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट अब 20-day मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके एक पुल बैक का ट्रेड जरूर बनाया है। हालांकि आज भी हायर साइड पे स्टॉक में थोड़ा सा सप्लाई बना हुआ, लेकिन हमें लग रहा है जिस तरीके का रिवर्सल बना है ये, अगर आज स्टॉक 4860 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो ये मोमेंटम भी 5000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें लगता है रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अब ये दोनों स्टॉक मजदूर डॉक और HAL दोनों अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है छोटे स्टॉक पर। ठीक है, ये कुछ कुछ और स्टॉक्स हो गए हैं जिसपे आप ध्यान रख सकते हैं। अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, डिफेंस के बारे में पता कर रहे हैं। देखते ही देखते वो कॉल 160 रुपए की हो गई, दिखा सकते हैं वापस से 128 रुपए वाली कॉल 160 रुपए। वैसे बाय द वे बता दूं हमारा टारगेट 800 प्लस का है, इंट्राडे वाले निकल जाए या फिर वो बने रहे अभी? आई थिंक डिम्पी जी बने रहना चाहिए, स्टॉक में एक ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है और जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बने हैं हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होगा, 800 की तरफ बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे जो कि होगा करीब 748 रुपए, 748 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजिशन होल्ड रखें। एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 4 से 5 महीनों का एक वक्त बिताया एक रेंज में और अब यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, अब यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी के स्टॉक का ये मोमेंटम फर्दर एक दो हफ्ते भी कंटिन्यू होते हुए दिखे तो 800 के टारगेट के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है 748 के स्टॉप लॉस। ठीक है, डन। कुछ कुछ आप ट्रेड यहाँ पे जरूर नोटिफाई करते रहें, देखते रहें और थोड़ा समझते रहें, आइडिया लेते रहें कि कौन कौन से ट्रेड कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं।
ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। 140 पॉइंट की बढ़त के साथ आज बैंक निफ्टी 51,500 है। आज का अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सबसे अच्छी चीज क्या हुई है आज मार्केट के अंदर, तो मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी का आज की क्लोजिंग अच्छी जा रही है अभी तक तो। हाँ, अभी है मार्केट बंद होने में समय करीब आधे घंटे का, अभी तक की सबसे अच्छी बात मार्केट के अंदर यही है कि बैंक निफ्टी क्लोजिंग 51,500 के ऊपर होती हुई जा रही है। ये अभी तक का मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट लग रहा है, बस और कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट, थोड़ी थोड़ी चर्निंग हो रही है जो मेरे को लगता है कि कुछ कुछ मिल जाना चाहिए, देखते क्या होता है आगे चल के। कुछ एक और शेयर जरा पता कर लेते हैं। मैं अपनी डेरिवेटिव की शीट खोलता हूँ, उसमें से अगर कोई अच्छे शेयर बिल्डअप वाले मिलेंगे तो पूछता हूँ मैं, और जरा चेक करता हूँ। ओरेकल फाइनेंस एक बार जरा दिखाएं यार, 4.5% ऊपर है, 7% बिल्डअप के साथ है। इसकी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना बॉस, फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना ओरेकल फाइनेंस की। ओरेकल OFSS, अब छापना आ जाएगा OFSS, ओरेकल फाइनेंस फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना। हाँ राजेश सर, एक बार जरा चेक करोगे आप इसको, ओरेकल फाइनेंस ये जब चलता है तो फिर बहुत बढ़िया चलता है और कई दिन तक कैरी भी करता है। जरा देख के बताइए, देखिए 6% का बिल्डअप है, कम नहीं होता, प्राइस एक्शन भी है, नीचे वॉल्यूम भी है, ऊपर प्रीमियम भी है, शेयर आईटी का है। तो आईटी सेक्टर तो एक अच्छे मोमेंटम में है, और ओरेकल फाइनेंशियल में देखें तो एक रैली के बाद स्टॉक ने करेक्शन लिया और वापस यहाँ पे रैली वापस बनते हुए दिख रही है और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे स्टॉक का आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है ये चाल अब इसकी 12,000 की तरफ भी जा सकती है पोजिशनली, अगर हम इसको देखें तो। स्टॉक ऑलमोस्ट ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, 11,550 ये लेवल अगर क्रॉस होते हैं तो इसके नेक्स्ट लक्ष्य 12,000 की तरफ भी बहुत जल्द आते हुए दिखेंगे। जिनके पास भी ट्रेड है बने रह सकते हैं, अभी करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। 11,280 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। टारगेट पहला 11,550 है जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो क्रॉस होगा तो 12,000 की तरफ ये स्टॉक बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखे। ठीक है, कई सारे लोगों को मेरी जैसी प्रॉब्लम होती है, मेरे को है ये, मेरे को खुल्लम खुल्ला बोलने वाले में से हूं मैं एक, मेरे को प्रॉब्लम ये होती है कि कोई शेयर अगर बहुत ज्यादा चला होता है ना तो मेरे को उसमें से पकड़ नहीं बन पाती मेरी उतनी, मैं बहुत अच्छे से उसको खरीद नहीं पाता, मेरा हायर एंड पे कन्विक्शन नहीं आता। इसका सिर्फ आप जैन से लेकर अब तक का चार्ट दिखाओ 9 मंथ का, आप देखेंगे। मैं ही आपको चलो यहीं से नोटिस करा देता हूँ, जितने भी चार्ट आएगा फायर होगा उसमें तो बहुत टाइम लगता है, मैं ही आपको रूलर से ही कैलकुलेट कर देता हूँ। मैं जनवरी से ही ले रहा हूं इसका और अभी तक करीब करीब 100% का रिटर्न आ चुका होगा। क्या बन रहा है इन प्राइवेट बैंकिंग में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एसबीआई, ये आज तीनों के तीनों आज पॉजिटिविटी दे रहे हैं बाजार को। राजेश जी, स्टॉक स्पेसिफिक कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से बैंकिंग में? तो अभिषेक जी, प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई बैंक जहाँ पे हमें पसंद आ रहा है, जिस तरीके से स्टॉक में 1200 के ऊपर एक कंफर्टेबली स्टॉक पिछले 5-6 दिनों से सस्टेन कर रहा है, और आज भी अगर स्टॉक को देखें तो जिस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनी हुई है, हमें लगता है कि यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी की ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ वापस बढ़ते हुए दिखेगा एंड देन इसमें 1270-80 की तरफ के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से पसंद आ रहा है, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1220 के आसपास। और जो दूसरा बैंक हमें पीएसयू बैंकिंग स्पेस से पसंद आ रहा है वो अभी रहेगा एसबीआई का। एसबीआई में देखें तो लोअर साइड से एक अच्छा बेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, लोअर साइड से पिछले 3-4 हफ्तों में एक नैरो प्राइस रेंज में ही स्टॉक मूव होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक कंफर्टेबली अब 2-3 दिनों से देखें तो 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब क्लोज होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे एक पुल बैक बन सकता है, 840 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। तो एसबीआई में छोटे स्टॉप लॉस से 812 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाय करने की सलाह, टारगेट होगा 840 तक का। 840 रुपए का टारगेट आपके लिए बनेगा एसबीआई के शेयर में, 825 रुपए के आसपास का भाव है। ब्रोकिंग स्टॉक्स में हम देखने की कुछ कुछ ना चुनिंदा बाइंग हो रही है, पर थोड़े थोड़े से कट्स आ रहे हैं। राजेश जी आगे बढ़े बीटीएसटी रहे, उसके पहले जरा आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या लार्ज कैप आईटी में कहीं कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, या फिर ये जो करेक्शन थोड़ा सा और हो जाए तो बाय करना ज्यादा बेहतर होगा? ठीक जी, अभी मेरे हिसाब से शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए आपको, अगर प्रॉफिट है आपकी पोजीशन में तो वो अगर पार्शियल बुक करना है तो कर सकते हैं। आईटी स्टॉक्स अभी भी मोमेंटम में है, जरूर हायर साइड से थोड़ा सा
प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला है लार्ज के पार्टी में, बट हमें लगता है कि अभी बने रहना चाहिए। और ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, एचसीएल टेक, टीसीएस, इंफोसिस, ये सभी स्टॉक्स में हमने देखा है कि एक अच्छी रैली हुई है, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आते हुए दिख रहा है, बट डिप्स में वापस हमें लगता है कि स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखेगा। तो एचसीएल टेक हमें लगता है 1760-1750 के आसपास आएगा, तो वहां पे वापस इसमें बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख सकता है। टीसीएस में भी इमीडिएट लेवल पे जो सपोर्ट बना हुआ है वो करीब बना हुआ है 4470 के आसपास, तो जब तक ये लेवल होल्ड आउट है अभी शॉर्ट तो नहीं करना है। जरूर आपको अगर बाय करना है तो थोड़ा वेट कर ले, अगर 1-1% 1.5-2% का करेक्शन आता है तो वहां वापस से एक बार रिव्यू करेंगे, वहां पे वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। और देखिए वजह क्या है कि वजह यह है कि अमेरिका में जिस तरह से महंगाई दर घटी है, अब रेट कटने को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं, तो ये सारी चीज 80 रुपए का टारगेट आज 1828.75 रुपए का वोल्टास ने हाई बनाया है। और अगर आप वोल्टास के साथ देखेंगे ना तो कूलिंग सेगमेंट में ब्लू स्टार भी आपको चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन तेजी थोड़ी सी इसके मुकाबले कम है। तो वोल्टास के लिए 1880 रुपए का टारगेट हो गया। ये हो गया शेयर देवांग जी की तरफ से। राजेश जी आप बताइए सर, एक शेयर है या दो शेयर है? आप बताए तो मैं 3 शेयर भी दे सकता हूँ। स्टॉक्स तो काफी है मार्केट में जिस तरीके का मोमेंटम है। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है IEX। ये स्टॉक में जिस तरीके से लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है IEX में एक अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। IEX को बाय किया जा सकता है 212-214 के स्टॉप लॉस, 212-214 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा करीब 202 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है LT फूड का। LT फूड में देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले आधे घंटे में देखने को मिली, स्टॉक डे हाई की तरफ ही बंद होते हुए दिख रहा है। एक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में स्टॉक देखने को मिला है, हमें लगता है LT फूड को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 425-430 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है, स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 404 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है PFC का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये स्टॉक में जिस तरीके से स्टॉक अब 550 रुपए के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, हमें लगता है PFC का ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा एंड इसके नेक्स्ट टारगेट 575 और 580 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 552 के आसपास। ठीक है, 552 का स्टॉप लॉस होगा PFC के लिए। इसमें भी BTSC करने की सलाह है। आप देखिए सुबह पॉजिटिव शुरुआत के बाद ये लाल निशान में भी गया, लेकिन लोअर लेवल से बहुत अच्छा रिबाउंड किया है PFC के शेयर ने और अब ऑलमोस्ट डे हाई। आपका भी शुक्रिया राजेश सर, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप तीनों मेहमानों का आज समय देने के लिए। डिस्क्लोजर देते जाइएगा। ठीक है राजेश सर, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? तो जिन भी स्टॉक्स पे चर्चा हुई है वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं, लेकिन क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, क्योंकि हमने ये इन स्टॉक्स पे हमारे क्लाइंट्स को भी बाय करने की सलाह देती हुई। ठीक, एनालिसिस पे रख रहे हैं वित्तीय सलाहकारों, सारे रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, और अगर आपको फिर भी कुछ पता करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछ के ही ट्रेड लिया कीजिएगा, मार्केट एक रिस्की असेट्स है। मेरे को अभिषेक को इजाजत दे सकते हैं, फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद आप अगला कार्यक्रम देखेंगे जो कि कल की तैयारी आपको करवाएगा, जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, नमस्कार।